फ्रेंड्स वेलकम टू आज कुछ अच्छा सीखते हैं। मैं आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे पूछा कि पीक्यूसी में काम करने के लिए पीक्यूसी स्टार्ट करने से पहले उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंजीनियर को ये बहुत सारी चीज़ें की एडजस्टमेंट करना पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों को लाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से काम रुक सकता है। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं कि गाड़ी से डॉयल बार यहाँ पे लेके आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती, बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऑपरेटर, मशीनरी, सबका ध्यान देना पड़ता है। मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा, आप बस बने रहिए वीडियो के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो का मिलते रहे। देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर ट्रैक्टर देख सकते हैं, इधर ब्रूमर लगा हुआ है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इसके ये प्लास्टिक के इसके साथ है, ये जब घूमता है तो इसमें जो डस्ट वगैरह होती है जो कि DLC के ऊपर आती है वो साफ़ हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पुराना पीक्यूसी हो चुका है और ये DLC है हम जिसके ऊपर खड़े हैं। तो हमको इस DLC में सबसे पहले काम करने के लिए जब हम लोग करते हैं तो दोनों साइड हमको शोल्डर बनाना पड़ता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी आई है DLC के ऊपर तो हमको समझ में नहीं आ रहा है इसकी एक्चुअल लाइन, लेकिन यहाँ DLC की लाइन है और इधर में ये मिट्टी का शोल्डर डाला है, उसको रोलिंग करना पड़ता है। तो हमको ये फुल विड्थ में हम लोग यहाँ पर रेडी किया है। और आपको मैं बता दूं तो ये जो पीक्यूसी होने वाला है ये आरीवाल के ऊपर पीक्यूसी होने वाला है। सामने एक फ्लाईओवर है और उसके पहले ये पीक्यूसी होने वाला है, तो आप आरीवाल भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे फुल विड्थ में होगा और ऊपर में 6 मीटर 250 mm का ही पीक्यूसी होगा, क्योंकि साइड में फ्रिक्शन स्लैब इरेक्शन करने हैं, जो कि यहाँ आप ये फ्रिक्शन स्लैब देख सकते हैं। और ये फ्रिक्शन स्लैब के ऊपर सिर्फ 75 mm का एक लेयर आएगा और उसके साथ उसकी बीम स्टिच होगी, और उसको लगाने से पहले हमको यहाँ पे पीक्यूसी करना है। तो हम लोग उसको लगा नहीं सकते क्योंकि इसका जो ट्रैक आप देख सकते हैं पीक्यूसी पेवर का, इसको 1.5 मीटर एक्स्ट्रा जगह लगती है चलने के लिए। इसके लिए हम लोग यहाँ पहले फ्रिक्शन स्लैब नहीं लगाए, पहले हम पीक्यूसी करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे फ्रिक्शन स्लैब लगाएंगे, उसकी स्टिचिंग करेंगे और उसके ऊपर पीक्यूसी डालेंगे 75 mm का। बोले से फ्रिक्शन स्लैब जो पीक्यूसी 300 mm का थिकनेस है तो फ्रिक्शन स्लैब 225 mm और 75 mm वो भी 300 mm का होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं आरीवाल का ये कोपिंग हो चुका है यहाँ पे, और ये जो पीक्यूसी का पेवर यहाँ पे मार्च हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे DLC हो चुका है और ये पीक्यूसी पेवर यहाँ मार्च होता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये क्लीनिंग करना, इसके ऊपर हम लोग एक प्लास्टिक बिछाते हैं, मैं आपको आगे दिखाता हूँ उसको। आप देख सकते हैं आपके सामने है DG, मतलब से लाइट का अरेंजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग, उसके बाद एक आईचर या मटेरियल शिफ्टिंग के लिए व्हीकल, और क्यूरिंग के लिए बोरी पहले ला के रखना पड़ता है, एक ट्रैक्टर कंप्रेसर जो हवा मारेगा, एक ब्रूमर जो कि साफ करेगा, क्लीन करेगा मिट्टी DLC के ऊपर की, एक एक्सकेवेटर की जरूरत पड़ती है मिट्टी कंक्रीट को यहाँ से वहाँ फैलाने के लिए। और ये हम देख सकते कि ये पीक्यूसी का पेवर है जो कि मार्चिंग करते हुए जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पीक्यूसी का पेवर है, और यहाँ पे आप जो शटरिंग लगी हुई है आप देख सकते हैं ये कोपिंग की शटरिंग है, और इसमें एक एक शटर 2 मीटर 400 का है, उसमें 2 टायर रॉड लगा के हम लोग उसको पकड़ के लगते हैं, और जितनी पैनल की विड्थ है उतना उसको कंक्रीट करते हैं। ये जो DLC है इसके ऊपर इसका 50 mm होना चाहिए कोपिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है स्टॉपर बने हुए हैं, इसमें जो डॉवेल बार जहाँ लगने हैं उसका स्पेसिंग जो रहेगा हमने उसको कास्ट करवा के लिए हुए है, और ये पर्टिकुलर शेप में पूरे बने हुए हैं, 300 इसका हाइट है और जो भी लंबाई रहेगी, स्टॉपर पूरे बने रहते हैं पर्टिकुलरली। और यहाँ पे ये DLC आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ये सर्वे के पेग है, ये सर्वे के पेग्स मारे जाते हैं और दोनों साइड सर्वे के पेग लगा देते हैं, पेग लगा के हम लोग सर्वेयर से उसके लेवल दे देते हैं, लेवल दे के हम लोग उसको ये क्रॉस चेक करते हैं कि हमारा DLC प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है, और लाइन डोरी लगा के हम लोग दोनों तरफ चेक करते हैं। 10-10 मीटर पे ये पेग्स लगे रहते हैं, आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं फ़ोटो में कि ये पेग्स किस तरह से बने हुए हैं। ये नट से ढीला करके ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, और ये आगे पीछे हम लोग इसको ये खोल के आगे पीछे भी कर सकते हैं। यहाँ पे छोटी सी एक ग्रू रहती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ग्रू में ये जो स्ट्रिंग वायर है ये स्ट्रिंग वायर ऐसी फिक्स हो जाती है और इसके ऊपर ये सेट हो जाता है, इसके ऊपर सेंसर चलता है। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें सर्वेयर पेग, और उसके बाद आपको विंच मशीन जो विंच में जिसमें ये वायर
बाउंड की जाती है, ये सारी चीज़ों की साइड में ज़रूरत होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सेपरेशन मेंबर है, सेपरेशन मेम्ब्रेन है, और ये इस डीएलसी के ऊपर डाली जाती है। इसका बहुत सारे यूजेस है, जो हमारी मॉइस्चर है वो मॉइस्चर उड़ के ना जाए, उसके बाद ये सेपरेशन लेयर हो जाए, पानी की एंट्री ना हो, उसके बाद जो इसका मॉइस्चर है वो नीचे ऑब्जर्व ना हो, बहुत सारी इसके यूजेस है हमारे सेपरेशन मेंबर के, मेम्ब्रेन के। ये पूरी पीक्यूसी के थ्रू आउट जहाँ भी जितनी भी पीक्यूसी करते हैं हम लोग, उसके नीचे इसको डालना कंपलसरी है, और हम इसको इसके लिए इसके नीचे डालेंगे। जब ये पेवर लग जाएगा उसके नीचे हम लोग ये पूरी जितनी फुल विड्थ रहेंगी उसमें हम लोग इसको बिछाएंगे। यहाँ पे देखिए गनी बैग्स ला के रखे, ताकि जैसे ही इसका क्यूरिंग जैसे मीन्स कंक्रीट हो जाएगा उसके ऊपर स्प्रेइंग और टेक्सचरिंग हो जाएगा, उसके बाद तुरंत इसमें क्यूरिंग शुरू किया जाता है, बिछा के लेयर तुरंत उसके ऊपर पानी डाला जाता है, स्प्रिंकलिंग किया जाता है, पूरा इसको वेट रखते हैं जब तक इसका क्यूरिंग पीरियड ओवर ना हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मेसन ट्रॉली बोलते हैं, ये मैन्युअली यहाँ से वहाँ पुश करनी पड़ती है और ये बनाना पड़ता है साइड पे। इसके नीचे चार चक्के लगे रहते हैं और इसको हम लोग पीक्यूसी होने के बाद उसके ऊपर इसको चलाते हैं ढकेल ढकेल के। मेसन ट्रॉली इसीलिए नाम दिया जाता है कि मेसन इसके ऊपर रहते हैं और ये मेसन उसमें फिनिशिंग मारते, जो कुछ कमियाँ रहेगी, कुछ फॉरेन मटेरियल उसमें आ गया तो उसको निकालना, उसको फिनिश करना, उसके लेवल चेक करना, ये सारे काम इस मेसन ट्रॉली करती है। और अब यहाँ पे देखते हैं ये TCM है, ये TCM भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देखते हैं इसके अंदर स्प्रेयर लगा हुआ है, ये जो नली आप देख रहे हैं ये जो दोनों साइड में देख रहे हैं, इसके अंदर एक पाइप है, पाइप में से पूरा स्प्रेइंग होता है। आप यहाँ देख सकते हैं इसके नोज़ल से, ये नोज़ल देख सकते हैं आप, पूरे नोज़ल लगे हुए हैं, इसमें से स्प्रेइंग होता है, उसके ऊपर स्प्रे करता है। इसमें देखिए आप ये टेक्सचरिंग करने के लिए, पूरा टेक्सचरिंग के लिए दिया हुआ है, इससे टेक्सचरिंग भी होती है। और ये सारा चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारा सेटअप होता है TCM, ये मेसन ट्रॉली, पेवर, एक्सकेवेटर, ट्रैक्टर कंप्रेसर, ब्रूमर, आइशर, और सिविल इंजीनियरिंग जो स्टाफ होते हैं वो स्टाफ को ले जाने के लिए बोलेरो वगैरह, सारी चीज़ों का यहाँ पे इंतज़ाम करना पड़ता है, तभी कोई एक्टिविटी शुरू की जाती है। आप यहाँ डोवेल बार देख सकते हैं, डोवेल बार पूरे लाना पड़ते हैं, इसके साथ एक प्लास्टिक का कवर भी होता है आधा, उसको भी लाना पड़ता है। हर चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी एक चीज़ यहाँ पे मिस है तो काम आपका नहीं चल सकता, या आपके काम में पुअर क्वालिटी आ सकती है। हर चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये होता है बेसिक प्रिपरेशन। अब यहाँ पे ये पेवर यहाँ पीछे आएगा, ये साफ़ सफाई होगी, ये पॉलीथीन शीट बिछेगा, उसके बाद कंक्रीट का ऑर्डर किया जाएगा, लाइटिंग अरेंजमेंट की जाएगी और ये पीक्यूसी स्टार्ट किया जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए, और दोस्तों के साथ आपने वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।